प्रियंका गांधी वाड्रा। देश की राजनीति की चर्चा जिस गांधी परिवार के बिना अधूरी समझी जाएगी, उस परिवार का ये कैसा नाम है जिनकी मौजूदगी पार्टी में जोश और ऊर्जा का संचार कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस अवसाद और शून्यता से घिर गई थी, उससे वो उभर रही है और इसकी वजह प्रियंका गांधी का नया रूप है कहना गलत नहीं होगा। राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी जब खामोशी का जामा पहने हैं, ऐसे समय में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला है। यूपी में कांग्रेस की हार के बाद भी प्रियंका की मौजूदगी वहां ये दर्शाती है कि वो उत्तर प्रदेश को भूली नहीं है। सोनभद्र की घटना के बाद पीड़ित परिवारों से उनका मिलने जाना, उनका गिरफ्तार होना और गेस्ट हाउस में पीड़ितों से उनकी मुलाकात, ये तमाम बातें संकेत हैं इस बात के प्रियंका सक्रिय राजनीति में आई हैं तो एक्टिव भी हैं। ये भी सच है, लोग प्रियंका में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं। आज से 42 साल पहले इंदिरा गांधी भी बिहार के बेलची में 11 लोगों के नरसंहार की घटना के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंची थी और कमोबेश प्रियंका का भी सोनभद्र पीड़ितों से मिलने जाना कहीं ना कहीं उसी तरह से देखा जा रहा है। जिनसे मैं मिलने आई थी वो मेरे से मिलने आए, उनको भी गेट पे रोका जा रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे रोकने के लिए, मुझे रोका जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि उनको आने दीजिए, वो इतनी कष्ट में यहाँ आए हैं, कम से कम मेरे से मिलने तो दीजिए। आइए जानते हैं सक्रिय राजनीति में आने के बाद से अब तक का प्रियंका का सफर। चुनाव के दौरान सक्रिय राजनीति में आई प्रियंका, विरोधियों को जवाब देने कांग्रेस प्रियंका को मैदान में लाई, प्रियंका को पार्टी का महासचिव बनाकर पूर्वी यूपी की कमान सौंपी। प्रचार के दौरान प्रियंका की बोट यात्रा सुर्खियां बनी। सिंधिया के इस्तीफे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का जिम्मा प्रियंका को सौंपा गया। चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भी प्रियंका यूपी में सक्रिय हैं। गंगा के प्रदूषण का मामला उठाकर राज्य और केंद्र सरकार को उन्होंने घेरा। सोनभद्र नरसंहार के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची प्रियंका, सोनभद्र जाने से रोका तो धरने पर बैठी और गिरफ्तारी भी दी। कुल जमा चुनावी हार को भूलकर नए सिरे से कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने के लिए प्रियंका जुट गई हैं, भले ही विरोधी से उनका पॉलिटिकल स्टंट माने। सोनभद्र घटना के पीड़ितों से मिलने की बात हो या फिर गंगा के प्रदूषण का मुद्दा, प्रियंका उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हैं और लगातार गंभीर मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रही हैं। प्रियंका का ये एक्टिव मोड या यूं कहें कि उनका नया रूप कांग्रेस को नई दिशा और धार देता दिखाई दे रहा है, कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका एक्टिव मूड इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गंगा के प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर सोनभद्र की घटना के बाद पीड़ितों से उनके मिलने जाने की जिद, ये बताता है प्रियंका सक्रिय राजनीति में आई हैं तो वो सक्रिय भी हैं। प्रियंका की मौजूदगी कांग्रेस में बेशक नई ऊर्जा का संचार करती है, चुनाव के बाद कांग्रेस में आई शून्यता को भरने के लिए जिस अंदाज में प्रियंका मैदान में उतरी हैं, उसे पार्टी के लिए तो अच्छा संकेत माना ही जा सकता है। सवाल यही है, क्या प्रियंका जिस तरह से इंदिरा गांधी का अक्स लेकर मैदान में उतरती हैं या उनमें अक्स देखा जाता है, तो माना जाए कांग्रेस अब प्रियंका में ही उत्तर प्रदेश में एक नई उम्मीद देखती है, अपना भविष्य तलाशती है। यही है हमारा आज का विशेष, प्रियंका का सियासी एक्शन। हमारे साथ मौजूद हैं सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही भूपेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का जो कांग्रेस की ओर से होंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र, प्रियंका को रोका जाता है, फिर लाइट भी काट दी जाती है, आपातकाल का बहुत जिक्र करते हैं आप, लेकिन आप कांग्रेस कह रही है बार बार कि सियासत में इस स्तर तक कहाँ चले गए, और क्या लग रहा है प्रियंका से कोई बहुत बड़ा खतरा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें आप जाने नहीं दे रहे? देखिए रिजवान जी, जी सब डेमोक्रेसी है, सभी स्वतंत्र है, काय का भय।
क्यों ईगर वीवर होंगे, क्यों भय लगेगा? तो फिर ये आखिर ऐसा क्या, जहां वो ठहरी वहां भी बिजली चली गई, या उत्तर प्रदेश में बिजली है ही नहीं, क्या माने? अब ये वहां का जो वहां की जो व्यवस्था है वो बता सकते हैं, लेकिन आप देखिए अगर ऐसे जो बात है उनको जाने से रोका गया तो ऐसा कई बार होता है, और जहां पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं वहां पर जो कोई भी दल होता है अगर जाता है तो इंस्टेंटली वहां पर लॉ एंड ऑर्डर या शांति को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। मतलब प्रियंका की इमेज इस तरह की है कि वो जाएंगी वहां, लोगों को भड़काएंगी और वहां उससे और दंगे भड़क जाएंगे, या ऐसा नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के जाने से वहां उनके जख्म तो बहुत हरे हैं, बहुत ही गहरे घाव हैं, लेकिन कम से कम नहीं रिजवान वहां जब कोई पहुंचेगा तो उन्हें लगेगा कि पूरे देश उनकी चिंता कर। आप देखिए बंगाल में हमारी सरकार नहीं है जी, बंगाल में हमारे कार्यकर्ता काल कवलित हो रहे हैं जी। आप वहां आसनसोल की एक घटना में बता रहा हूं आपको, हमारे कार्यकर्ता की वहां पे हत्या कर दी गई जी। तो हमारे जो नेता वहां जाने के लिए गए जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जो सांसदों को भेजा जी, लेकिन वहां पर जाकर के उनको रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते हैं जी। तो फिर आपने स्वीकार कर लिया, आपने स्वागत किया, आप फूल के माले लेके गए थे वहां, आपने कहा कि नहीं बहुत अच्छा किया साहब आपने हमें रोक लिया, नहीं इसलिए आपने क्या कहा? आपने तो विरोध किया ना उनकी बात को, आपने विरोध किया, हमने विरोध किया, आपने विरोध किया नहीं सर, नाराजगी जताई, हमने उनकी नाराजगी जताई पूरे देश में, शांति फैलने वाली बात से सहमति जताई, और उस जिस स्थान पर जो घटना स्थल था वहां पर नहीं गए हमारे वरिष्ठ नेतागण, और ये काफी उसमें रूपा गांगुली जी भी उसमें थी, माननीय कैलाश जी भी उसमें थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव। सतेंद्र मैं समझ गया आपकी बात, ये है आपकी बात समझ गया, क्या लग रहा है प्रियंका गांधी अब नई ऊर्जा के साथ है मैदान में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी ये नई ऊर्जा की बात तो ये कांग्रेस के मित्र बताएंगे हमारे, या जो उनके आपको क्या लग रहा है, आप भी तो राजनीतिक हैं, पारखी हैं, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी आप देखिए कहीं किसी भी दुनिया के अंदर जब जितने भी लोकतांत्रिक, मैं पूछ रहा हूँ नई ऊर्जा के साथ हैं आप डायनेस्टी पे चले गए, सब डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, फिर वही बात आएगी। सतेंद्र मैं समझ गया आपकी बात, मैं कह रहा हूँ सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ भाई, नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ जी, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है स्वस्थ राजनीति करिए आप, लेकिन जमीन जब आपकी जमीन जो मेरे हिसाब से जो जमीन आपकी चली गई है, आप लाशों जो जमीन के ऊपर जो लाशों उसमें लाशों की जमीन पे आप राजनीति तलाश रहे हो, आप बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक जमीन बनाना चाह रहे हो, तो लाशें बिछ गई इसकी चिंता भी करनी पड़ेगी। चलिए सदन में आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से लौटूंगा, ठीक है। भूपेन्द्र गुप्ता आपने सुना क्या कहेंगे प्रियंका गांधी वहां लाश पर राजनीति कर रही है, आखिर क्या जल्दी थी कि वो वहां पहुंच जाए, फिर वो बैठ जाए सर्किट हाउस में बैठ जाए, धरना दें और जिद करें? भारतीय जनता पार्टी का जो विवेक है जी उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है जी, जिन्हें इस बात की समझ नहीं है कि जमीन खत्म हो जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी की चार बार जमानतें जब्त हुई तो क्या उनकी जमीन खत्म हो गई? वो तो फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। जिन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि लोकतंत्र में हारना और जीतना जो है जी, ये लोकतंत्र की एक व्यवस्था का हिस्सा है जी, उसमें जमीन भी खो गई, जमीन भी चली गई है, जमीन इनको परमानेंटली पट्टे पे लिख दी किसी कलेक्टर ने जी, कल जनता इनको लात मार के बाहर कर देगी तब। अरे आप थोड़ा सा आप तल्ख हो गए बहुत ज्यादा, मुझे लगता है इस भाषा को बाहर ले लिए, तर्क देते हैं लोग इनको इस बात की समझ ही नहीं जी, कैसी अपन बात कर रहे हैं जी। अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं की जी 60 साल तक जमानत जब्त हो रही है, अटल जी की जमानत जब्त हुई है जी, तो जमीन खत्म हो गई क्या? किसी कांग्रेस के नेता ने इस तरह का बयान दिया है आज तक? आप क्या देख रहे हैं प्रियंका, मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए जो मैंने पूछा आपसे। सवाल का जवाब ये है जी कि प्रियंका गांधी जो है एक पीड़ित परिवार को जिसमें 11 लोगों की हत्या कर दी गई है, एक ये नरसंहार हुआ है, उस नरसंहार के लोगों को अगर पीड़ित पक्ष के पास जाके उनसे बातचीत करना चाहती हैं, उस परिवार का दर्द साझा करना चाहती हैं, तो क्या लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी? और अगर नहीं दी जाएगी तो उसका विरोध किया जाएगा, और वो विरोध हम कर रहे हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये कह रहे हैं लाश पे राजनीति कर रहे हैं आप, लाश पे राजनीति तो करने वाले लोग कौन है? जो लोग जो है कत्ल करने के वीडियो चलाते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग पर उन हथियारों से जो है झंडे लगवाते हैं, उन लोगों को इस तरह की बात करने का क्या अधिकार है? ये तो नैतिक अधिकार नहीं है इनको ये बात करने का जी, नैतिक अधिकार की बात है। चलिए सत्यन जी आपको मालूम है आप मेरे प्रोग्राम में कोई बीच में नहीं बोलता है, आपको अवसर दूंगा, आपका जब समय आएगा जवाब दीजिएगा इसका। भूपेन्द्र गुप्ता ने जितनी गंभीरता से आपको सुना आप भी सुनिए, बस उनके लात मारने वाले शब्द से मुझे आपत्ति है,
उसे कोशिश करेंगे हटा देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे सूर्यकांत चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, जैसा माहौल है और जैसी सियासत है, कानून व्यवस्था हर कोई अपने हाथ में लेने को आमादा है, और जब एक राष्ट्रीय स्तर का नेता वहाँ जाता है तो उसे रोका जाता है, उस पर बहुत सियासत होती है, कोई कहता है लाश पर राजनीति कर रहे हैं, कोई कहता है कि वहाँ हमें जानना चाहिए। और आप देख क्या रहे हैं प्रियंका के इस नए रोल को, आप किस तरह से देख रहे हैं, नई भूमिका, नए अंदाज, आक्रामक अंदाज में? देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जो घटना हुई है काफ़ी दर्दनाक और भयावह है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में होता है, सरकार में होता है, वो इसके लिए दोषी होता है, क्योंकि उसके हाथ में प्रशासन, शासन, पुलिस, सब सारी कमान उसके हाथ में होती है। तो इसलिए यह कहना तो गलत नहीं है कि इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, लेकिन जो बात आपने कही है, जब कभी इस तरह की कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है, खासतौर पर घटना होती है, दुर्घटना ना कहें हम उसे, तो घटना के बाद जो राजनेता जाते हैं वहाँ, उससे कम से कम पीड़ित परिवार को ज़्यादा कुछ फायदा तो नहीं होता, लेकिन उसका कष्ट, उसको जो कष्ट होता है, उस कष्ट पर मरहम लगाने का काम नेता लोग करते हैं। हालांकि राजनीति ऐसी चीज है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को उस घटना सूर्यकांत, बहुत तरह के सवाल होते हैं। अगर कोई चला गया तो बोला क्या क्यों रहे हैं, लाश पर राजनीति कर रहे हैं, नहीं गया तो बोले पूछने नहीं आए थे। सियासत है, ये मौका है, ऐसे मौकों पर चित और पट दोनों पर सियासत करते हैं सियासतदान। वही मैं कह रहा था, आपकी बात से सहमत भी हूँ। और दूसरी बात जो आपने प्रियंका गांधी जी की कही है, तो चूंकि वो विपक्षी दल की नेता हैं और उत्तर प्रदेश का उनके पास प्रभार भी है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले वो सक्रिय राजनीति में ना रही हो पहले, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से वो सक्रिय राजनीति में भाग ले रही हैं, और एक विपक्षी नेता, विपक्षी दल की नेता होने के नाते उनका हक बनता है। और यह अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में उनके दल का वो वजूद न होने के बाद भी अगर वो सक्रियता दिखा रही हैं, अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हैं, तो एक दल के लिए अच्छी चीज़ है, और ऐसा करना मुनासिब भी है उनके लिए। और स्वाभाविक है, भाजपा सत्ता में, भाजपा को सपा और बसपा से जो चुनौती मिलती थी, वो चुनौती हालांकि पिछले दो चुनाव में नहीं मिली है उतनी, लेकिन लोग बाग जिस तरह से प्रियंका गांधी में, जैसा आपने पहले भी कहा है कि इंदिरा जी का अक्स देखते हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और अगर सक्रियता उनकी इसी तरह बरकरार रही और इसी तरह वो लोगों से जुड़ती रहीं, तो भाजपा के लिए चिंता के विषय तो हो सकता है भविष्य में। तो भाजपा को चिंता करना चाहिए, और वो चिंता कर रहे हैं अगर, तो ये उनकी भी बाजी वो है जी। चिंता करें कि चिंतन करें, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लोकतंत्र में किस हद तक शासन प्रशासन का उपयोग करना है, दुरुपयोग की स्थिति ना बन जाए, ऐसे बहुत से सवाल हैं। और आप कितना हट करेंगे कि आपको जाना ही है, ये बहुत तरह के सवाल हैं, और इसमें आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहेंगे। सरमन अगले, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम प्रियंका के नए अंदाज पर? देखिए रिजवान जी, प्रियंका गांधी जब से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हुई हैं, तो एक जो पूरे देश में जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, या जो कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं या उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या आम नागरिक हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तो ठीक है। देखिए, भारत में लोकतंत्र में ये व्यवस्था है और संविधान में कि लोग जो है ना, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति करने को किसी के साथ में जा सकता है। एक एक दल में दो, एक एक परिवार में दो दो तीन तीन दल में लोग रहते हैं। तो प्रियंका गांधी जैसे ही उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उनका जो मीडिया में जो उनका प्रचार प्रसार है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो लगातार बढ़ी, लगातार बढ़ी। तो कांग्रेस पार्टी ने फिर उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी सिंधिया जी के साथ में, उसमें भी उन्होंने जो अपनी गंगा यात्रा है जो, या नाव से जो यात्रा की, उसके कारण वो चर्चाओं में आई। मैं दो तीन उदाहरण दूंगा। देखिए, उनकी एक, उनका जो एक बहुत ही सहज, जिसको कि आम नागरिक उसको स्वीकार कर रहा है, वो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको जी। जब वो किसी गांव में गए, तो एक सपेरा जो है ना, सांप को लेकर कुछ ऐसा कोई है, जो वहाँ सपेरों की कुछ समस्याएं थी, सपेरों के, देखिए पूरे देश में सपेरा है, तो वहाँ सपेरों की समस्याएं थी, तो वो सपेरों से मिलने गए, तो एक सपेरे ने अपने उसमें जो उनके साथ एक सांप था वो निकाला,
तो ये देखिए उनका सहजता और उनकी आम आदमी में मिलने की एक उनकी एक छवि कि उन्होंने वो सपेरे से सांप लिया और खुद उसको हाथ में ले लिया। लेकिन ये तो एक घटनाक्रम हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको कैसे प्रचारित किया? तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की जो सरकार हैं, ये लोग कहते जरूर हैं कि हम संवाद में विश्वास करते हैं, हम समन्वय में विश्वास करते हैं, हम राजनीतिक शुचिता में विश्वास करते हैं, हम अनुशासन दल की बात करते हैं, लेकिन संवाद में विश्वास कतई नहीं करते। इसके मैं एक आपकी जानकारी के लिए एक उदाहरण बता रहा हूँ। प्रशांत कनौजिया नाम का जो पत्रकार है, द वायर में रिपोर्टर था, उन्होंने कोई माननीय मोदी योगी जी पर केंद्रित कोई एक वीडियो जो किसी महिला ने कुछ कहा था वो उसने सोशल मीडिया पर चलाया, उसको साहब आपने रातों रात उठा लिया। ऐसे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ लगातार कई घटनाएं हो रही हैं, इसी तरह से दूसरे राज्यों का आप देखिएगा। आप और देखिए क्या है कि मोदी जी को बिल्कुल भी आंतरिक लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल नहीं है। मोदी जी को कोई कुछ बोले ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब टेलीविजन चैनल के वरिष्ठ पत्रकारों को जब इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू के दौरान उनका किस तरह का अंदाज था, किस तरह के कमेंट पास कर रहे थे, किस तरह के उन पर उलाने दे रहे थे और अपनी बात को कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई ये चैनल वाले तो ऐसे, लेकिन ये मेरा वीडियो है, इसको गाँव गाँव तक पहुँचाइए आप। तो भारतीय जनता पार्टी अब इसमें एक जो कानून व्यवस्था जुड़ा हुआ पहलू, कानून व्यवस्था जुड़ा हुआ जो वहां गए नहीं है। देखिए मेरा ऐसा मानना है, निजी मानना है कि जब किसी व्यक्ति की छवि पुलिस में इस तरह की हो जाए कि ये भड़काऊ भाषण देने वाले व्यक्ति है, ये इनके आने से कोई सांप्रदायिक या कोई इस तरह की घटना होती है, तब उसको रोका जाता है। लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति जा रहा है या उसके साथ चार या पांच लोग जा रहे हैं तो उसमें कानून भी इस बात को अनुमति देता है कि वो जिससे मिलने जाना चाह रहे हैं उससे मिलने जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि धारा 144 लागू रहती है, धारा 144 जिस एरिया में लागू रहती है उस एरिया में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, जैसे मैं एक और उदाहरण बताऊँ आपको, जब मध्य प्रदेश में माननीय राहुल गांधी जी इंदौर के विश्वविद्यालय में अपना लेक्चर देने के लिए आने वाले थे तो उस विश्वविद्यालय के बीसी का ट्रांसफर किया, उनको अनुमति नहीं दी। इस तरह की जब वो मंदसौर में आए तो मंदसौर में बड़ी मुश्किल से जो है ना उनकी सभा हो पाई और वो उनकी पब्लिक मीटिंग हो पाई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठीक है ये आप अपना काम कर रहे हैं, आपको कानून व्यवस्था चलाना है और कानून व्यवस्था के तहत आपको काम करना है, लेकिन जिन पर कोई किसी तरह का अपराध नहीं है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं है और एक जो महिला है, जो यंग है, जिसकी लोकप्रियता है, तो आपको उनको जाने से आप क्या देख रहे हैं प्रियंका के इस अवतार में, इस नए अंदाज में, नए तरह से संघर्ष करने के लिए लगातार धरने पर वो वहाँ बैठ गई, फिर मिली सबसे, गले लग गई और उनकी आंखों में आंसू भी था, सब मीडिया ने देखा भी, और वो जिद पर अड़ी रही कि नहीं उन्हें जाना है। इसको आप क्या देख रहे हैं, क्या देखते हैं इससे, कांग्रेस को कोई लाभ उत्तर प्रदेश में होने वाला है, कोई संभावनाएं कांग्रेस की नज़र आती हैं? इस संघर्ष को आपको क्या लगता है प्रियंका और बढ़ाने वाली हैं या फिर राहुल गांधी के विकल्प के तौर पर फिर नए सिरे से चर्चा होने लगेगी जो सियासी हलकों में होती रही है? देखिए रिजवान जी, आपने स्वयं कहा है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये आंसू क्यों आए थे कि वो बिल्कुल आम आदमी के साथ में, आम आदमी के सुख दुख दर्द में जो है ना शामिल होना चाहते हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने सक्रियता बढ़ाई है, जिस तरह से वो अपना मूवमेंट कर रही है, निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में एक संचार का माध्यम बनेगा। देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तो ये रहता है कि उनको जिसको अपना नेता मानना है उसको मानना है, उनको प्रियंका गांधी को अपना नेता मानना है तो वो पूरे देश में माने जाएंगे, जिनको अपना राहुल गांधी को नेता मानना है, पार्टी अध्यक्ष जैसे सोनिया गांधी को नेता मानना था, अध्यक्ष केसरी जी थे, प्रधानमंत्री मोदी जी थे, वो मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन नेता उनकी सोनिया गांधी थी, तो इसका निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो सीमावर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश के उन पर और पूरे देश में उनके इस मूवमेंट का कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। और स्वाभाविक रूप से ये जो पूरा एक देश में एक जो वर्ग है जो चाहता है कि देश में अमन चैन से लोग रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, कानून व्यवस्था चले, सरकार संविधान के तहत चले, किसी पर कोई अत्याचार ना हो, किसी के साथ कोई कानून के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो, वो सारे के सारे लोग निश्चित रूप से
प्रियंका गांधी के इस मूवमेंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करेंगे। क्या कहेंगे सत्येन जी? रिजवान जी, आपने देखा प्रियंका जी की बात है, प्रियंका जी आज राजनीति में तो आई नहीं है, पहले से भी सक्रिय रही हुई है। उनका जन्म ही राजनीतिक परिवार में हुआ, उनका जन्म ही राजनीतिक परिवार में हुआ, हुआ और जब पहले वो पैदा हुई तभी से राजनीतिक। रायबरेली भी पहले देखा करती थी, 2017 के चुनाव जो हुए थे यूपी विधानसभा चुनाव जी, जी। वो भी उन्होंने उसमें भी एक्टिव पार्टी, ये तो कह चुके हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी, कह चुके हैं ये सारी चीज, लेकिन वो तो हम भी सब लोग जानते हैं। देखिए, और जो उन्होंने गंगा में यात्रा की थी, बोट यात्रा जो उन्होंने की थी उस समय, और वो वाटर भी बनाया, तो पहली बार वाटर भी बना 20,000 किलोमीटर का देश के अंदर, तो वो गंगा जी के अंदर भी जो बना हुआ है सिमिलरली, वो आप परिलक्षित तो हुआ नहीं। और सभी के लिए राजनीति में, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, उनको करना चाहिए, कोई इशू नहीं। दूसरी बात, अगर ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था की थी, प्रशासन ने वहाँ मदद की और जो पीड़ित परिवार है उनको उनसे मिलवाया, तो प्रशासन ने एक सहायता की, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उनका वहाँ का विषय है, उनके जो अधिकारी हैं या वहाँ की जो गवर्नेंस है उनका, वहाँ पर किया उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स ने। और सही बात तो ये है कि दुख की बात है, जितनी भी जो वहाँ मिसहैपनिंग हुई है ये निंदनीय है, और क्यों हुई इस पे सरकार की को सोचना पड़ेगा, और 10 दिन के अंदर जो जिम्मेदारी कुछ लेंगे उस पर, जिम्मेदारी ली है। और आपने देखा होगा, कहां ली जिम्मेदारी आप? मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, और आप अगर मुझे समय दें तो मैं बताऊं उसके विषय। बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये दुखद है, क्यों हुआ, हमें इसके लिए कुछ। दूसरी बात, नहीं ये जो दुखद तो है, ये तो पूरा देश कह रहा है, नाकाम क्यों हो गए। 1955 में ये जो जब हुआ था, ये जो विषय था सोसाइटी के नाम पर, दलितों जो वहाँ आदिवासियों की जो जमीन थी वो उनको दे दी सोसाइटी के नाम कर दी, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। 1989 में सोसाइटी ने एक अधिकारी के नाम की वो जगह, तब भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी वहाँ पर, तो ये जो विषय आया तब भी ये गलत था सोसाइटी के नाम पर। उसके बाद तो आपकी सरकार थी, उसके बाद जो ये रहा, उसके बाद आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने उस गलत को ठीक कर दिया? हाँ वही बात है, तो उन्होंने बोला इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, आपने क्यों नहीं कर दी? कल्याण सिंह की सरकार थी, राजनाथ सिंह की सरकार थी, क्यों नहीं उस समय ठीक कर दिया आपने, अगर वो पुरानी ही बातें करनी है तो? नहीं, ऐसा एक अकेला नहीं सर, ऐसा इतना बड़ा प्रदेश है, अरे उसको ठीक कर देते ना, इसको तो ठीक कर दे। और ये ढाई, अरे इतने ढेर सारे, अरे जनाब सत्येन जी, इतने ढेर सारे ट्रैक्टर में भर के लोग वहां पहुंचे, हथियार बंद थे, आपका खुफिया तंत्र सो रहा था, ऐसा क्या था कि जो आपको पता ही नहीं चला? जिम्मेदारी तो ली नहीं है आपने। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है सत्येन, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अखिलेश यादव जी या मायावती जी भी जाएंगे तो आप किसी को, आप कितने लोग जा सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर अशांति नहीं होगी, आप सोचिए स्वयं। अकेली प्रियंका जी अकेली राजनीतिज्ञ नहीं है ना देश के अंदर, और भी बहुत सारे राजनीतिज्ञ। अखिलेश को भी पहले रोका था आपने, विश्वविद्यालय तक नहीं जाने दिया था कुंभ के समय, अरे सर आपने रोका था अखिलेश यादव को भी। अगर आप कहें तो ठीक है, और समय नहीं देंगे आप? चलिए, बिल्कुल समय नहीं दूंगा, इसलिए कि आप जो जिसने इनिशिएटिव लिया उसको आपने जाने नहीं दिया। राजनीति है, आप कह रहे हैं वो लास्ट पे राजनीति करते हैं, और वो कह रहे हैं कि आपातकाल की स्थिति आपने पैदा की। जी चलिए, अच्छा किया, पटाक्षेप हो गया इस पूरी चीज का, लेकिन आपने प्रियंका को पूरी सुर्खियों में रहने का एक अवसर दिया। ये राजनीति है, सब लोग अपने अपने अंदाज से करेंगे। भूपेन गुप्ता, आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस के दौर में ही ये समस्या खड़ी हुई है? इनका कहना है 55 से लेकर 89 तक कांग्रेस के दौर में ही ये भूमि विवाद जो है उसकी वजह से ही है। 32 साल से तो वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है जी, तो लेकिन ये तो बता रहे हैं 55 में तो थी, तो 55 में थी, गुइयां छील रही थी जी। 1955 को याद करने के लिए बैठे थे, 1989 भी, 89 भी जोड़ा सत्येन, उस समय ये बहुत छोटे रहे होंगे 89 में जी। ये अपनी 30-32 साल की जो नाकामी है इनकी जी, और इन्होंने जो जहर बोया है 30-32 साल में, जो बर्बाद किया उत्तर प्रदेश को जी, तो उस नाकामी की चर्चा ये इसलिए क्यों नहीं करते कि उसको ये पाठ के सबक के तौर पर ये पढ़ते रहना चाहते हैं जी। 32 साल छोटा समय होता है किसी राजसत्ता में परिवर्तन करने के लिए जी, अपनी फिलॉसफी जारी करने के लिए, अपना जो है सिस्टम लागू करने के लिए। ये जो है देश के अंदर जो नाकाम और नाकारा लोग हैं वो ये रामायण पढ़ते हैं, ये अपने दादाजी को याद कर ले, यहाँ पर जो भाषण दे रहे हैं, इनके दादाजी के पास क्या था? साइकिल पर चलने वाले लोगों के घरों में आज 5-5 गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो है हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का और उसकी प्रगति का प्रतीक है। इसमें मोदी जी के आने के पहले की हैं सारी तरक्कियां, ये सारी चीजें हिंदुस्तान जो परिवर्तित हुआ है ये मोदी जी के आने से नहीं हुआ है, इसमें मोदी जी के पहले के जितने लोग हैं सबकी कर्मठता, सबका ये कह रहे हैं प्रियंका ने जहां गंगा का यात्रा की थी वोट पर,
वो सब इनका बनाया हुआ है, इन्होंने बनाया, ऐसा कुछ कह रहे थे सर। इनने जो बनाया है जी, वो तो जो है उमा भारती जी व्यक्त करती हैं और गडकरी जी व्यक्त करते हैं जी। दोनों के बयान उठा के ये पढ़ लिया करेंगे, वो गंगा की बारे में क्या बयान देते हैं और इनकी सरकार ने क्या किया, 4,000 करोड़ रुपया बर्बाद करने के बाद बिल्कुल गंगा जो है गंगा और पूरा पहले से ज्यादा अगर गंदी हो गई है, तो ये इनकी इनकी ये भूपेन्द्र गुप्ता, मैं आपको रोकूंगा, कम है थोड़ा, सूर्यकांत जल्दी से कहिएगा, सियासत है अपने ढंग से चलेगी। अब ये कह रहे हैं 55 से 89 तक जिम्मेदार है, और कांग्रेस कहती है कि इतने लंबा अरसा हो गया वो तो सत्ता में ही नहीं है, उसको इतनी पुरानी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो क्या लगता है इतनी पुरानी चीज़ों को सियासत में इस तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ कर सियासत की जानी चाहिए, या वर्तमान में क्या चूक हो रही है उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मदद करनी चाहिए? सूर्यकांत आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, पुराने मुर्दे उखाड़ने से तो कोई मतलब होता नहीं है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप करना एक आम बात हो गई है, लेकिन यह बात सत्य है कि घटना सोनभद्र में बहुत बड़ी हुई है। ठीक है, राज्य सरकार ने उसके लिए दोषी मानते हुए 5 पुलिस अफसरों को और एक राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अफसर को निलंबित किया है, लेकिन इस निलंबन से ना तो पीड़ित पक्ष को ने जो खोया है वो वापस मिलेगा, और जमीन का विवाद तो अभी चलेगा आगे, और वहाँ की जो पृष्ठभूमि है या वहाँ जो तासीर है उसके मुताबिक अगर इस समस्या का हल जल्दी नहीं निकाला गया तो इसके आगे भी दुष्परिणाम बड़े भयंकर होने की संभावनाएं हैं। शासन और प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि जहाँ भी इस तरह की विवादास्पद स्थिति है, शिकायत होती है, प्रशासन के संज्ञान में आता है, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आता है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्हें चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का निदान करें, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। इससे मुंह मोड़ने या पीछे इतिहास का पन्ना पलटने से काम नहीं चलेगा, वर्तमान कोई मतलब नहीं, वर्तमान में अपनी नाकामी ढकने के लिए लोग पीछे जाते हैं। सूर्यकांत मैं आपको रोकूंगा, समझने के लिए आपके पास 2 मिनट से भी कम समय है, इतने में ही जल्दी जल्दी कहिएगा, प्रियंका जैसे ही सक्रिय हुई उत्तर प्रदेश में सरकार सक्रिय होने जाने नहीं दिया, एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी, और दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा भी है कि राहुल गांधी नहीं तो दूसरा गांधी अध्यक्ष बनेगा, इस तरह की चर्चाएं, तो आपको क्या लगता है ये कोई सियासत है या राजनीतिक रणनीतियां? देखिए रिजवान जी, जो मैं समझता हूं, जो मैं देख रहा हूं, वो ये है कि प्रियंका गांधी को विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तब तक उनको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए पार्टी उनको अवसर देगी, और ऐसा वहाँ के कांग्रेस के नेताओं का है, कार्यकर्ताओं का भी मानना है। मेरे को अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी, क्योंकि अभी CWC ने माननीय राहुल गांधी जी का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया है। तो एक तो इसमें ये है, दूसरा जो सोनभद्र की घटना हुई उसमें एक छोटा सा आपका समय लूंगा 20 सेकंड का, कि सोनभद्र में आदिवासियों के साथ हुआ, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 300 आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद भी उनको पट्टा नहीं दिया, वो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से मिले, उसमें एक जो माधुरी बहन है उनके नेतृत्व में पूरा एक डेलीगेशन आया। दूसरा जो बुरहानपुर में है, बुरहानपुर में भी जो इनके सरकार के समय में वहाँ के आदिवासियों के ऊपर कुछ अत्याचार हुआ, उनका भी पट्टे का मामला था, उनको जबरदस्ती उनसे खाली कराया जा रहा, वो भी वैसे माधुरी बहन ने वो भी वैसे कमलनाथ जी के समक्ष रखा। तो देखिए क्या है कि आदिवासियों के साथ जब न्याय नहीं होगा तो आदिवासी कहाँ जाएगा? इस देश का आदिवासी महत्वपूर्ण अंग है, आदिवासी यदि इस भारत में अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहेंगे तो ये भारत कहाँ रहेगा? यदि इस वर्ग ने कभी फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ वर्ग संघर्ष की बात की ना, तो फिर ये देश देखेगा क्या होगा, इसके लिए बहुत चिंता की बात होगी। बिल्कुल सर्वेन्द्र गले आप हमारे साथ जुड़े, सत्यन जैन आप हमारे साथ जुड़े, सूर्यकांत चतुर्वेदी आप हमारे साथ जुड़े, और भूपेन्द्र गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि प्रियंका एक्शन में है, उसका रिएक्शन भी हो रहा है, पार्टी के अंदर भी होगा बाहर भी होगा, सरकार चिंता में है, उन्हें रोकती है, और आरोप ये भी लगता है कि वो जहाँ ठहरी थी वहाँ बिजली भी काट दी जाती है, लेकिन आखिर सरकार को 4 कदम चलना पड़ा, उन पीड़ितों को उनके पास लाना पड़ा, वो अड़ी रहीं कि नहीं वो सबसे मिलेंगी, गले मिलकर वो रोई भी, उनसे पीड़ित भी रोए मिलकर, और प्रियंका अब नए अंदाज में है, लगता है कांग्रेस आगामी समय में इसी तरह से संघर्ष करके सामने आएगी और प्रियंका उसकी अगुवाई करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।